बनाते हैं, रिकॉर्डिंग में डाल दिए हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। लास्ट क्लास हम लोग एडिशन तक बात किए थे, एडिशन में चार लॉ बात किए थे, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, चार बात किए थे। आज हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बात करेंगे। एडिशन बात हो गया है, अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन बात करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक जेड वन कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इधर कुछ आएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। हम एक एग्जांपल दिखाएंगे, पहले जेड वन है ए प्लस आई बी और जेड टू है सी प्लस आई बी, आपको सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल जो हम टेंथ क्लास में मल्टीप्लीकेशन सीखे थे वही काम करना है, कुछ नया काम नहीं करना है। जैसे एक तरफ आपको जेड वन रखना है, एक तरफ जेड टू रखना है, यहाँ पर ए प्लस आई बी, जस्ट बगल में सी प्लस आई बी। अब तुम बोलोगे भैया चलिए आप रख भी दिए, सारा कुछ कर दिया, मल्टीप्लाई कैसे करना है? ये सिंपल सा बात है। जैसे ए को सी से करेंगे, ए इंटू सी प्लस ए को आई इंटू आई ए डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। अगला स्टेप में ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी और माइनस बी डी, क्योंकि पता है आई स्क्वायर माइनस वन होता है। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देखो दो जगह आई दिख रहा होगा, बाकी कहीं पर आई नहीं दिख रहा है। तो जो बिना आई का है उसको एक बॉक्स में ए सी माइनस बी डी, बीच में प्लस लिखेंगे आई और कॉमन ले लेंगे ए डी प्लस बी सी। यही जो होता है ये इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये आपको रियल पार्ट हो गया। यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल से मल्टीप्लीकेशन हुआ। तो मल्टीप्लाई जैसे करते हैं कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मल्टीप्लाई करने के बाद आई वाले को एक साथ, बिना आई वाले को एक साथ। एक एग्जांपल लेते हैं, जेड वन का वैल्यू टू प्लस थ्री आई है और जेड टू का वैल्यू थ्री प्लस फोर आई है। आपको बोला गया जेड वन जेड टू को इंटू कीजिए, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक जेड वन इंटू जेड टू, आप लिखोगे टू प्लस थ्री आई, जस्ट बगल में थ्री प्लस फोर आई। आप जब मल्टीप्लाई करोगे टू थ्री जा सिक्स, एट आई प्लस नाइन आई और ट्वेल्व आई स्क्वायर। जिसको जिसको पता है ये सिक्स एट एट सिक्सटीन सेवनटीन आई और माइनस ट्वेल्व। तो फाइनली आपको जेड वन इंटू जेड टू का जो वैल्यू होगा सिक्स से ट्वेल्व गया माइनस सिक्स प्लस सेवनटीन आई। तो ये जो आया यही आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन हुआ। तो अभी तक हम मल्टीप्लीकेशन में यही समझाए हैं, मल्टीप्लीकेशन आप सीख गए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना था, आराम से आप सिंपल दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को रखते थे और मल्टीप्लाई कर लेते थे। मल्टीप्लाई में कैसे करते थे आपको सिंपल पता है, जितना आई वाला है उसको एक साथ और जो बिना आई का है उसको एक साथ, ये आप सबको ही समझ चुके हैं। हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर में, एडिशन को ही सब्ट्रैक्शन के रूप में चेंज कर लेना, माइनस को अंदर ले जाना है। उसी तरह मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवीजन नहीं होता, फिर भी कभी कोई पूछे कि डिवाइड करके दिखाइए, तो आइए डिवीजन सिखाते हैं। जेड वन बाई जेड टू, समझिएगा कुछ लिख नहीं रहे हैं, जेड वन बाई जेड टू, बस कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, ऊपर में है ए प्लस आई बी और नीचे में है सी प्लस आई बी। मेरा बात सुनिए, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए, इधर कुछ बीच में प्लस और इधर कुछ, मतलब एक रियल होना चाहिए एक इमेजिनरी होना चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन में ऊपर में भी आई है नीचे में भी आई है, तो कभी भी डिवीजन का बात आए तो दिमाग में बैठा लो, आज बैठा लो, परसों बैठा लो, जहां बैठाना है बैठा लो, यही कि नीचे में आई नहीं होना चाहिए। तो नीचे का आई कैसे जाएगा, एक बार विश्वलाइन नाम का चीज सुना होगा, जैक बोर्ड वाला प्रमेयकरण बोलता है, क्या क्या बोलता है भगवान जाने, हम भी भूल गए, हम जैक बोर्ड से ही थे। चलिए करना क्या है, जो हमारा ऊपर में ए प्लस आई डी है और जो हमारा नीचे में सी प्लस आई डी है, हम सी प्लस आई डी के जस्ट बगल में एक ब्रैकेट लगाएंगे और नीचे सी प्लस आई डी है तो जस्ट सी माइनस आई डी से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ लोग बोलेगा ऐसा करने का फायदा क्या है, नीचे से आई हट जाएगा, कैसे हटेगा वो दिखाते हैं। पहले ऊपर में मल्टीप्लाई करो ए सी, फिर माइनस आई ए डी, फिर प्लस आई बी सी, माइनस आई स्क्वायर बी डी। ऊपर में सिंपल मल्टीप्लाई किए, नीचे में समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, ऊपर में सिंपल मल्टीप्लाई, नीचे में दो टर्म है, एक में प्लस है एक में माइनस है, बचपन में पढ़ा होगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको समझ में आना चाहिए। नहीं आता 10 बार पूछ लो। सी प्लस आई डी, सी माइनस आई डी, सी स्क्वायर माइनस आई डी का स्क्वायर। ऊपर में देखो ए सी माइनस आई ए डी माइनस आई बी सी, आई स्क्वायर माइनस वन होता है तो प्लस बी डी, और नीचे में सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। कुछ लोग बोलेगा भैया आप एक स्टेप भी छोड़ नहीं रहे, जानबूझ के नहीं छोड़ रहे, छोड़ेंगे तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएगा। अब इसके बाद जस्ट में देखो, तुमको साफ साफ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा साफ साफ, ऊपर में ए सी और प्लस बी डी एक साथ, क्योंकि इस दोनों में आई नहीं है। अब ब्रैकेट लगा के प्लस आई कॉमन, कुछ लोग दोनों में आई है कॉमन ले लो तो बी सी माइनस ए डी होल डिवाइडेड सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ लोग समझ गया, कुछ लोग को लग रहा हो क्या रहा है, नीचे में माइनस था आई स्क्वायर माइनस वन होता है तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर तुम एकदम कॉन्सेप्ट को साफ रखो, ऊपर वाले में दो टर्म है, नीचे वाले में एक टर्म है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ए सी प्लस बी डी डिवाइड में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ब्रेकेट बन प्लस आई बी सी माइनस ए डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया रियल, ये हो गया इमेजिनरी, फिर से समझिएगा। ऊपर जेड1 नीचे जेड2, जब भी ऐसा क्वेश्चन है दो कम्प्लेक्स तीन कम्प्लेक्स नीचे में जब भी हो, नीचे में जब मल्टीप्लाई कर लोगे या मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे, जो दो भी टर्म है उसी का अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। जब मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ोगे, नीचे में जो फॉर्मूला होता है वो लगाओगे, ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई करोगे, फाइनली लास्ट में देखोगे एक रियल है और एक में आई लगा हुआ है। डिवाइड में जो भी चीज है एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, बचपन में पढ़ा होगा, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये इसके बगल में आई लग गया। ये आपका एग्जांपल है, एक जेड1 है और ये जेड2 है, आपको जेड1 बाई जेड2 निकालना है। ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी से निकालिए, सबके पास क्वेश्चन दे दिए हैं, रिकॉर्ड है ठीक है, अभी टाइम है, अभी नहीं। जेड1 और नीचे जेड2 3-5i डिवाइड में 4+3i। हम बोले डिवाइड जब भी हो ऊपर और नीचे दो टर्म होगा, तो ऊपर जो भी है ऊपर से कोई मतलब नहीं है, मतलब नीचे से है, मतलब 4+3i है, तो हम बोले जो नीचे है उसी का प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर माइनस होगा तो प्लस है, ये नीचे जो की है ऊपर में भी वही कीजिएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, 3 से 4 को 12, 3 से -3 को -5 से 9i, -5 4 जा 20i माइनस माइनस प्लस 15 आई स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, सुनिए, अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन जान गए, डिवीजन जान गए, अब हम एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब यहां लिखा है कि नहीं लिखा है बुक में, तो नहीं लिखा है, एनसीईआरटी वाले बुक में है ठीक है। सुनिए, पहला, सबसे पहला लॉ कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है समझिएगा, जिस तरह एडिशन में प्रॉपर्टी होता है मल्टीप्लिकेशन में भी प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, दोनों अगर आपस में इंटू हो रहा है, या तो Z2 इंटू Z1 हो रहा है, दोनों इक्वल होगा, बस याद रखिएगा, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आगे पीछे रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम्यूटेटिव के बाद दूसरा होता है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव ये बस याद रखना है, एसोसिएटिव क्या होता है बात को समझना है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग। पहला था कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा था एसोसिएटिव लॉ, उसमें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए Z1 एक Z2 और एक Z3, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है पर ब्रैकेट लगा देता है, मतलब ब्रैकेट का काम पहले फिर Z1 से मल्टीप्लाई। अगर आप इसको Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं और ब्रैकेट लगा के Z3 बाद में लिखते हैं, ये LHS और ये RHS दोनों का सेम वैल्यू होता, मतलब दोनों वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता। ये कम्यूटेटिव, ये एसोसिएटिव। नंबर थर्ड इसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन इनवर्स से पहले आइडेंटिटी चाहिए। सुनिए, स्पेलिंग स्पेलिंग गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी,
ये क्या करता है बात को समझना है, मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी होता क्या है बात को समझिएगा। आइडेंटिटी लास्ट क्लास एडिशन में आइडेंटिटी जीरो था, जेड में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें या क्या चीज में जेड से मल्टीप्लाई करें कि जेड आ जाए, कि कोई भी जानता है जेड में अगर वन से मल्टीप्लाई करेंगे या तो वन को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड आ जाएगा, मतलब वन प्लस जीरो आई इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे मल्टीप्लेटिव। ठीक इनवर्स में, सॉरी इनवर्स हमेशा बोल देते हैं, इनवर्स बाद में आइडेंटिटी। फिर सुनिएगा, सबसे पहले हम टॉपिक है मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी, ये होता क्या है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 3 प्लस 4 आई, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 प्लस 4 आई 1 से मल्टीप्लाई करो 3 प्लस 4 आई, तो 1 ही हमारा जो होता है वो कहलाता है मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी। पहला था कॉम्यूटेटिव, दूसरा था एसोसिएटिव, तीसरा था मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी। एग्जाम में आता है इनवर्स निकालने, जिसको बोलता है नाम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो हम लास्ट क्लास ही समझाए थे इनवर्स जेड में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमको आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी आइडेंटिटी आपको पता है, आइडेंटिटी हमको निकल चुका है वन है, जेड में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि वन आ जाए। जेड में वन बाई जेड करने से वन आ जाएगा, जेड जेड कैंसिल हो जाएगा वन आ जाएगा, मतलब इनवर्स कौन मल्टीप्लेटिव। ठीक है, इनवर्स ऑफ जेड, स्पेलिंग मत देखिएगा, स्पेलिंग बहुत गलत लिखते हैं, मल्टीप्लेटिव इनवर्स ऑफ जेड जो वन करता है लिख देते हैं वन बाई जेड, मतलब किसी का इनवर्स निकालने बोले एग्जाम में आता है इनवर्स निकालिए जेड का, तो सीधे आंसर में क्या लिखाएगा वन बाई जेड। फिर से समझाते हैं, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ, ये हमारा एसोसिएटिव लॉ, ये आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन के केस में, ये इनवर्स मल्टीप्लीकेशन के केस में। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, आपको सुनते जाइए, एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा 3 प्लस 4 आई का मल्टीप्लेटिव इनवर्स चाहिए, फाइंड कीजिए। तुमको अभी पता है इनवर्स फाइंड करने के लिए मतलब जेड है 3 प्लस 4 आई का मल्टीप्लेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1 बाई, पर इतना लिख के आओगे तो नंबर नहीं देगा, सुन रहे हैं 3 प्लस 4 आई का इनवर्स चाहिए, 3 प्लस 4 आई का इनवर्स चाहिए। जब आप बोलोगे मल्टीप्लेटिव इनवर्स तो तुम ब्लैक के लिख दोगे, पर इतना में आंसर में नंबर जीरो दे देगा। तो करना क्या होगा, कुछ नहीं करना होगा, जो 3 प्लस 4 आई है आपको अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं नीचे में आई नहीं रहना चाहिए, नीचे का आई को हटाने का तरीका होता है, नीचे 3 प्लस 4 आई है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे 3 माइनस 4 आई से, जिसको पता है अच्छा है, जिसको नहीं पता है जान लो 3 प्लस 4 आई जस्ट बगल में 3 माइनस 4 आई। ये मल्टीप्लाई करने के बाद सुन लीजिए, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आप बोलिएगा भैया आगे क्या होगा, ऊपर में तो भैया 3 माइनस 4 आई और नीचे आ जाएगा 9 प्लस 16, कैसे प्लस होगा आपको पता है थोड़ा देर पहले बताए थे, तो आपको 3/25 - 4/25 आई, यही उस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये लिख के आइएगा तो नंबर मिलेगा। अब 2 मिनट के लिए हम पॉज कर रहे हैं वीडियो को।